सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे साबुत मसूर की सब्जी। जब भी घर में कोई सब्जी ना हो आप इसे बनाएं। ये बहुत जल्दी बन जाती है और साथ ही इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं साबुत मसूर की सब्जी। ये है साबुत मसूर की सब्जी की इंग्रेडिएंट जो कि हमें घर में आसानी से मिल जाते हैं। ये है साबुत मसूर, ये हमने 1 कप लिया है और इसे 2 घंटे पानी में भिगा के रख दिया है। अब कुकर चढ़ाइए, इसमें 2 to 3 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। तेल गर्म हो जाने के बाद हींग डाल देंगे और अब जीरे को मसल के इस टाइप से डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। जीरा हो जाने के बाद इसमें साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और चला लीजिए। लगभग 1 मिनट तक इसे भून लीजिए। अदरक और लहसुन भून जाने के बाद इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा भून लीजिए। प्याज भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे और अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, साथ ही बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए और इसे चला लीजिए। टमाटर अच्छे से पक जाने चाहिए, तब तक इसे पका लीजिए। टमाटर कुक होने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। किसी भी सब्जी को हम अगर लो फ्लेम पे भूनते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें मसूर डाल देंगे जिसे हमने 2 घंटे भिगा के रखा था। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने अगर 1 कटोरी मसूर लिया है सूखा वाला तो हम 3 कटोरी पानी डालेंगे और फिर इसमें नमक डाल दीजिए और गरम मसाला भी डाल दीजिए। एक बार इसे चला दीजिए और कुकर को बंद कर दीजिए। इसे कुक करने के लिए सिर्फ 1 सीटी काफी होगी, पर अगर आप जल्दी कुकर को खोलना चाहते हैं तो 2 सीटी होने तक इसे कुक कर लीजिए। अगर 1 विसल में ही आप इसे बंद कर रहे हैं तो इसकी भाप इसमें ही रहने दीजिए, फिर खोलिए। ये कुक हो जाएगी, 1 विसल में ही हो जाती है। लीजिए, तैयार है साबुत मसूर की सब्जी। वाओ, इसे गर्मा गर्म फुलके के साथ सर्व कीजिए। देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है 1 विसल में ही। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को अपने घर पे ट्राई करें और अपने अनुभव शेयर करें। लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय।